चित्रकूट पर्वत पर निषादों के राजा कुह को श्रीराम के वन गमन की वार्ता मिली। वह झटके से श्रीराम से मिलने आया। पिता के आज्ञा पालन के लिए राम ने वन गमन किया है, यह सुनकर उसे राम के विशाल मन का दर्शन हुआ। उसने तीनों का हार्दिक स्वागत किया, कंदमूल फल आदि भेंट कर उन तीनों को तृप्त किया। सारी रात उन्होंने गुह के साथ वहीं निवास किया। दूसरे दिन गुह के मलहाद ने उन्हें अपनी नौकाओं में नदी के पार पहुंचा दिया। उस पार पहुंचने पर तीनों पहले पुष्करणी गए। वहां से प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर उन्होंने स्नान कर पूजा विधि संपन्न की। आगे चलते हुए उन्हें भारद्वाज ऋषि का आश्रम मिला। भारद्वाज ऋषि ने उनका स्वागत करके उन्हें आशीर्वाद दिया। उस रात वे तीनों उसी आश्रम में रुके। दूसरे दिन सभी यात्रा में आगे बढ़े। भारद्वाज ऋषि के कहने के अनुसार अंत में वे चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। यहीं पर उनकी वाल्मीकि ऋषि से भेंट हुई। उन्होंने राम को चित्रकूट पर्वत पर ही कुछ दिन रहने के लिए कहा। लक्ष्मण ने सुंदर पर्ण कुटी का निर्माण किया। राम लक्ष्मण और सीता बड़े आनंद से चित्रकूट पर रहने लगे। राम लक्ष्मण सीता ने वहां वनवास का आरंभ किया। सुमंत ने दशरथ राजा को राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट पर्वत पर कुटी बांधकर रहते हैं ऐसा बताया। यह बात सुनकर राजा को परम दुख हुआ। परिणाम स्वरूप राम, मेरे प्रिय राम, अयोध्या के प्रिय राम, ऐसा विलाप करते हुए दशरथ ने देह त्याग कर दिया। श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ शाप इस प्रकार सत्य हुआ। मरते समय चारों पुत्रों में से एक भी पुत्र उनके पास नहीं था। शास्त्रों के अनुसार अगले राजा को सिंहासन पर बिठाए बिना मृत राजा की अंत्येष्टि करना सम्मत नहीं था। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने सुमंत्र को भरत को उनके ननिहाल से तुरंत ले आने के लिए भेजा। तदनुसार भरत भी अयोध्या आया, परंतु उसे अयोध्या नगरी रूक्ष और श्रीहीन दिखाई दी। सभी घर उदास लग रहे थे। कैकई ने महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार उसे बताया। यह सुनकर भरत अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। कुछ समय बाद उसने कहा, अब श्रीराम मेरे पिता और मैं उनका परम प्रिय दास हूं, इसलिए कृपया श्रीराम को बुलाइए। यह सुनने पर कैकई ने भरत से कहा कि अयोध्या में श्रीराम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनते ही मैंने तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे लिए राज्य और श्रीराम को 14 वर्ष तक वनवास ऐसे 2 वर मांग लिए। उसके अनुसार राम वनवास गए हैं और उसके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए हैं। कैकई के ये शब्द उसे सर्पदंश की तरह लगे। वह अति दुख से संतप्त हुआ और उसने कहा, नहीं नहीं, यह मुझसे कभी नहीं हो सकता। राम वनवास में गए हैं और उसी का सिंहासन पर बैठने का अधिकार होते हुए मैं उस सिंहासन पर भला बैठकर पाप का भागी नहीं होना चाहता। यह नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इस संपत्ति और सत्ता का यत्किंचित भी मोह मेरे मन में नहीं है। उल्टे तुम्हें माता कहकर बुलाने में मुझे लज्जा आती है। किसी दुष्ट राक्षसी जैसा दुष्कृत्य तुमने किया है। पवित्र राम को बिना अपराध के तुमने वनवास भेज दिया और साक्षात अपने पति को यम सदन के मार्ग पर भेज दिया। तुम्हारे इस अधम कृत्य के कारण मुझे तुम्हारा बेटा कहलाने में लज्जा आ रही है। मैं राम के पास जाऊंगा, उसे वापस ले आऊंगा और सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाऊंगा। महर्षि वशिष्ठ ऋषि के दर्शन में भरत ने दशरथ की अंत्येष्टि संपन्न की। तत्पश्चात सभी मंत्रिमंडल ब्राह्मण ऋषियों को बताकर राम जिस चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे उस दिशा में प्रयाण किया। तात्पर्य, मां के दुष्ट व्यवहार को भी सहन न करने वाले तथा सिंहासन के मोह में न पड़ने वाले भरत भ्रातृप्रेम और चरित्र का एक श्रेष्ठ आदर्श है।